Hello friends, welcome back. This is Asif Ansari and you are watching Engineering Tactics. Guys, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरप्स. ओके, स्टीरप्स की कटिंग लेंथ हम किस तरीके से निकालते हैं बीबीएस के लिए, तो वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, जो आपको एक्चुअल लेंथ देगी स्टीरप्स की. तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करना ना भूले. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. तो एग्जाम्पल के लिए मैं क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ. तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया. इसकी विड्थ है 300 mm, इसकी हाइट लिया मैं 600 mm, और इसमें जो हम स्टीरप्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो 8 mm का है. ओके, अभी हमें इसमें क्लियर कवर लेना है और हुक की लेंथ लेनी है. तो क्लियर कवर हमें लेना है ऑल साइड्स 40 mm, और हुक की लेंथ लेनी है, ये हुक की लेंथ लेनी है 10D, और D रहेगा डाया ऑफ बार. ओके, तो अभी मैं आपको कटिंग लेंथ निकालने का फॉर्मूला बता देता हूं. तो ये है फॉर्मूला स्टीरप्स की कटिंग लेंथ निकालने का. 2 times of A+B करेंगे, ये लेंथ और इसके अपोजिट की लेंथ सेम रहेगी, ये लेंथ और इसकी अपोजिट की लेंथ सेम रहेगी. तो हमें इसको 2 times of A+B करना है. ओके, और 2 times of 10D लेना है, जो हुक की लेंथ दी हुई है. फिर माइनस करना है 90 degree बेंट इंटू 3, यानी यहाँ पे जो हम स्टीरप्स को बेंड कर रहे हैं 90 degree में, वो 3 times बेंड कर रहे हैं, 1, 2 and 3, इसलिए यहाँ पे 3 है. और जब हम हुक बनाने के लिए इसे बेंड करते हैं तो वो 135 degree पे बेंड करते हैं. तो ये 2 times है, इसलिए इंटू 2 किया है. तो हम इसमें से 1 by 1 एक एक की वैल्यू निकाल लेते हैं और सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे और आंसर निकालेंगे कि आंसर क्या आता है. ओके, तो सबसे पहले हमें निकालना है A की लेंथ. A की लेंथ निकालने के लिए विड्थ में से दोनों तरफ की क्लियर कवर माइनस कर देंगे और हाफ ऑफ डाया ऑफ बार माइनस करेंगे दोनों तरफ से. तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूं A की वैल्यू निकालने के लिए. तो ये है फॉर्मूला, विड्थ माइनस 2 times of clear cover माइनस 2 times of half the डाया ऑफ बार. ओके, तो वैल्यू इसमें रख के इसका आंसर निकाल लेता हूं मैं. आंसर आ गया 212. ओके, अभी हमें निकालनी है बी की लेंथ. बी की लेंथ भी सेम इसी तरीके से निकलेगी, विड्थ की जगह पे हम हाइट ले लेंगे सिर्फ. ओके, तो मैं इसकी लेंथ निकाल लेता हूं. तो बी की भी लेंथ निकल गई 512. जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बेंट अप बार की कटिंग लेंथ निकालते वक्त बताया था कि जब 90 डिग्री पे बेंड करते हैं किसी भी स्टील को, तो वो 2 times of dia इलॉन्गेट होती है, यानी वो लंबी हो जाती है 2 times. जब हम 135 degree पे बेंड करते हैं किसी भी स्टील बार को, तो वो 3 times इलॉन्गेट होती है उसके डाया के. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल लिया है 2D एंड 3D की, 16 and 24 mm. अभी इस सारी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे और आंसर निकालेंगे, और वो रहेगा हमारा एक्चुअल कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरप्स. ओके, तो कैलकुलेट करते हैं. तो आंसर मिल गया हमारा 1512 mm, और उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.51 मीटर. ओके, तो ये हो गया हमारा एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टीरप्स इस
साइज के लिए। तो आपके पास किसी भी साइज का बीम मिले या कॉलम मिले तो आप इस फॉर्मूले के जरिए आप उसकी एक्चुअल कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।